तो लॉकडाउन के दौरान कोटा में कई सामाजिक संगठन जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, तो वहीं एलन करियर इंस्टीट्यूट की ओर से भी मदद का सिलसिला लगातार जारी है। एलन की ओर से जरूरतमंदों के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिस पर फोन करने वाले गरीब लोगों और छात्रों को खाना पहुंचाया जा रहा है। वहीं एक सप्ताह से अब तक 20,000 से अधिक भोजन के पैकेट सोसाइटी की ओर से पहुंचाए जा चुके हैं। इसी बीच एलन में हो रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर ने। वायरस के लगातार फैल रहे संक्रमण के बीच कहीं ना कहीं संगठन भी एक्टिव हुए हैं और कोटा में कोई गरीब भूखा न सोए इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सुबह शाम उनको खाना वितरित किया जा रहा है, तो वहीं अब एलएन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से लगातार सुबह शाम खाने की व्यवस्था की जा रही है। स्टूडेंट्स के अलावा जो भी गरीब तबके के लोग हैं वहां तक खाना पहुंचाया जा रहा है और उनको खाना वितरित किया जा रहा है। इस समय मैं खड़ा हूं एलएन के एक संस्थान में, वहां आप देख सकते हैं कि खाना बिल्कुल तैयार हो चुका है और अब इनकी पैकिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। पैकिंग लगातार की जा रही है, पूरी सब्जी यहाँ पे वितरित की जा रही है, सुबह शाम खाने की व्यवस्था की जाती है। कोटा में कोई गरीब भूखा न सोए इसके लिए एलन वेलफेयर सोसाइटी ने भी लगातार अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। उनका यही कहना है कि कोटा में कोई भी गरीब को खाना मिले यही हमारी प्राथमिकता है। गर्म पुड़ियाँ यहाँ पे तैयार हो रही है, साथ ही वहाँ सब्जी तैयार हो रही है। सीपीओ के जितने भी गार्ड हैं वो सब मौजूद हैं, वो सब अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही जो एलन वेलफेयर सोसाइटी के जो लोग हैं वो भी लगातार अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कोटा में कोई गरीब भूखा ना रहे इसके लिए किस तरह की व्यवस्था है? कलेक्टर साहब ने 8 नंबर पे जो हेल्पलाइन दिए हुए हैं हमें, उन पर जो भी हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, जो मैसेज हमारे पास लगातार आ रहे हैं, उनकी हमारे पास जो भी बच्चे हैं या गरीब तबके के जो भी लोग हैं उनके पास बराबर हमारा स्टाफ एक एक घर पे खाना उनके पास पहुँचा रहा है। और ये 23 तारीख से लगातार चल रहा है हमारा प्रोग्राम। शाम के टाइम हम रोटी की व्यवस्था करते हैं, सुबह के समय पूड़ी चल रही है और कल भी हमारे यहाँ से 4,000 पैकेट सुबह शाम में गए हुए हैं। एलएन के जो वाइस प्रेसिडेंट है सीआर चौधरी वो भी मौजूद हैं यहाँ पे, पूरी तरह से वो भी पैक है, कोरोना का संक्रमण उनको ना हो इसके लिए वो भी बिल्कुल सावधानी बरते हुए। सीआर चौधरी जी, देखा गया है कि यहाँ पे लगातार आप लोगों की तरफ से व्यवस्था की जा रही है। लॉकडाउन के पहले दिन से ही एक हमने ऑटो सिस्टम बना रखा है पूरे कोटा शहर के लिए, एक हेल्पलाइन नंबर के थ्रू कोई भी SMS कर सकता है, कॉल कर सकता है सुबह के भोजन के लिए, शाम को भोजन के लिए। तो लगभग प्रतिदिन 1.5 से 2,000 पैकेट एक शिफ्ट में हम दे पा रहे हैं। यहाँ पे देखा गया है कि एलएन के जो लोग हैं उनके अलावा सीपीओ के जो गार्ड हैं वो भी यहाँ पे पूरा सामाजिक सरोकार निभा रहे हैं। जो गार्ड बाहर खड़े होते थे स्टूडेंट्स की देखभाल करते थे, अब वो स्टूडेंट्स के लिए खाना तैयार करवा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी मिसाल है और मैं कहता हूँ कि एलएन के बिहाफ पर पूरी एलएन फैमिली इस वक्त इनके कार्यों से गदगद है। हम सब मन से यही बोलते हैं दिन भर की सैल्यूट। जो व्यक्ति पूरे शहर के अंदर बच्चों की सुरक्षा में लगे हुए थे, कम्युनिटी पुलिस ऑफिसर और हमारी सिक्योरिटी गार्ड और ESWS की पूरी टीम 24/7 लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे तकरीबन 17,000 एलएन के स्टूडेंट्स हैं, उनके परिवार भी यहाँ पे चिंता जता रहे हैं, लेकिन एलएन की तरफ से उनको बिल्कुल आश्वस्त कर दिया गया है कि ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, यहाँ पर इनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना होगी। सुबह शाम उनको खाना पहुँचाया जा रहा है। एलएन संस्थान इसके लिए पुरजोर मेहनत कर रहा है, सुबह शाम मेहनत कर रहा है, 24/7 लगातार यहाँ के गार्ड्स हैं, प्रशासन हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें भागीदारी निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव संदेश देश के लिए एलएन का जा रहा है। इस समय सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज और कैमरा पर्सन नारायण सिंह के साथ योगेंद्र महावर, A1 TV कोटा।